मैंने तुम्हें रात को सारी तफसील भेज दी थी, साथ में उसकी तस्वीरें भी थीं। मतलब तुमने तो देखना भी गवारा नहीं किया। क्या हमारी अब कोई वक्त कोई हैसियत है तुम्हारी नज़र में? ठीक है, तुमने बहुत काम कर लिया, तरक्की कर ली है, तुम पढ़ लिख के लामा बन रही हो, लेकिन तुम्हारे बाबा की पसंद है ये, और वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मामा, एक तो बहुत इमोशनल हो जाती हैं। ऐसी बात नहीं है, आप सलमान को जानती हैं ना, तो अब उसकी जॉब लग गई है, तो क्या, तो कोई और रिश्ता कबूल करने की क्या ज़रूरत है? उससे मुझसे कह दिया मुझसे शादी करेगा और मुझे भी वो पसंद है। शादी की बात ऐसे तो नहीं होती ना, उसके वालिदैन से कहो हमसे बात करें। तो वो सब भी हो जाएगा नेचुरली, अभी तो उसकी जॉब लगी है ना। कब से चल रहा है ये सिलसिला? मेरी माँ, कोई सिलसिला नहीं चल रहा, हम एक दूसरे को यूनिवर्सिटी टाइम से जानते हैं, ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और आप तो मिल चुकी हैं उससे, है ना? देखो बेटा, 10 बरस भी गुजर जाएंगे ना तो सलमान वहाँ नहीं पहुँचेगा जहाँ आज शहरी है। थोड़ा एक अकल इस्तेमाल करो अपनी, वो वेल सेटल्ड है, रईस लोग हैं, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। मामा, वैसे सलमान को एक चांस देने में कोई हर्ज नहीं है, सब कुछ पैसा थोड़ी होता है, खुद भी कमा लेगी वो तो। ये अच्छा, रहता कहाँ है? माँ, इससे क्या फर्क पड़ता है वो कहाँ रहता है, उसका घर कितना बड़ा है। आई डोंट लाइक जजिंग पीपल। और पापा ने भी तो हमें इन वैल्यूज के साथ बड़ा नहीं किया ना, और हम कौन से बहुत खानदानी रईस हैं, पापा के पास एक इनकी तो दौलत है, उसके आगे क्या हिसाब किताब है मुझे नहीं पता। अच्छा बस लेक्चर ना दो मुझे, बुला लो उन लोगों को। बुला लूँ उनको? क्या मतलब? मतलब लड़का तुम्हें पसंद है, वो तुमसे शादी करना चाहता है, तो ठीक है उसको को बुला ले अपने वालदैन को, हम अब इंतज़ार नहीं कर सकते। देखो लड़कों के पास बहुत वक्त होता है, मगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है। हाँ लीजे, आना तो चाहिए उन्हें। ठीक है आ जाएंगे वो लोग, लेकिन आप इतनी अपसेट क्यों हो गए? सब कुछ तो तय कर लिया तुम लोगों ने, हमें तो बस बुराए नाम ही बता रहे हो। ओफो, मेरी माँ कुछ तय नहीं किया, सब फैसले आप और बाबा करेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, करती हूँ तुम्हारे बाबा से बात।